फोर्सेस के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और हादसे की वजह जानने के लिए ये हाई लेवल कमेटी गठित की गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो, इसलिए इसके हादसे की तह में जाने का फैसला किया गया और ये जो कमेटी है वो जल्द से जल्द इंक्वायरी करके हादसे की वजह जो है बताएगी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण बात ये है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है कि जिनके परिवार वाले नए साल के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे वो लोग परेशान ना हो, उनके जो घर के लोग हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, अगर उन्हें इस बात की जानकारी ली गई लेनी है तो वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपने परिवार के लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ जो इक्विपमेंट है वो घटनास्थल पर पहुंचाए गए हैं, हर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर मिले ये इंश्योर किया गया है और प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने एलजी से भी बातचीत की है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस हैं पीएमओ में जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनसे भी बातचीत की है, तो किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल सरकार के हाई लेवल पर रखा जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नए साल के पहले दिन इस दुखद घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ नित्यानंद राय जुड़े थे, रविकांत वो बता रहे थे कि जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, जहां पर भीड़ ये इकट्ठी हुई, वहां पर दो से तीन लोगों के बीच में झड़प हो गई थी जिसका अंजाम ये रहा कि आज हमारे बीच 12 लोगों की जान चली जाती है, हमारे बीच वो मौजूद नहीं है और 15 जख्मी हो जाते हैं। लेकिन रविकांत सवाल यहाँ पर ये है कि एसओपीस का पालन क्यों नहीं किया गया, भीड़ आखिर इकट्ठी कैसे होने दी गई, प्रशासन क्या कर रहा था? देखिए ज्योत्सना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए साल के पहले दिन हमने देखा है कि धार्मिक आस्था की वजह से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि साल का जो आगाज है वो माता वैष्णो देवी या किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाकर किया जाए, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग वहां पर पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने संख्या में लोग वहां पर आ जाएंगे, इस वजह से जो भीड़ थी वो अनुमान से लगभग 3 गुना या 4 गुना बताई जा रही है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ लोगों के बीच में झड़प की बात और उसके बाद जब अफवाह की स्थिति फैल जाती है तो वहां पर चढ़ाइयां हमने देखी है कि वो ऊंचाई पर भी हैं और नीचे ढलान की तरफ हैं, ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के बीच में झड़प होती है और कोई व्यक्ति तो भग की स्थिति हो जाती है और स्टैम्पिड में हवा फैलती है तो ये हादसे हो जाते हैं। अब इसी घटनाक्रम की जांच के लिए हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई है एलजी के द्वारा जो पूरे घटनाक्रम की बिल्कुल इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उसके अंदर, एडीजीपी के साथ इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, जम्मू डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद हैं इस पूरी कमेटी में जो जांच इस मामले में करेंगे। रविकांत बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। इस खबर से जुड़ी बड़ी बातें हैं, मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ओवर टू यू। दोस्तों, बेहद दुखद हादसा है, अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है, 26 जख्मी बताया जा रहा है, लेकिन हादसे की बड़ी बात है क्या है वो समझना बेहद जरूरी है, क्यों हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो जानना बहुत जरूरी है और उसके जानने के बाद ही हम और आप समझ पाएंगे कि हादसा आखिर हुआ कैसे। एलजी ने पीएम को जो पहली बड़ी बात है, भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 26 जख्मी बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, ज्यादा भीड़ होने की वजह से भगदड़ मची, जो लगातार सुबह से हम बता रहे हैं, देर रात गेट नंबर 3 के पास ये भगदड़ मची जहां पे हादसा हुआ, घायलों को कटरा के अस्पताल में दाखिल कराया गया इलाज के लिए। और पांचवी बड़ी बात है कि एलजी ने पीएम को हादसे की पूरी जानकारी दी है, हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम से इस बाबत बातचीत की है, सारी तफसील पीएम को दी है, पीएम मोदी ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और जो जख्मी है उनके लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया, साथ ही एलजी ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया जो मनोज सिन्हा है एलजी, साथ ही डीजीपी ने कहा कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ और ये भगदड़ मची। तो भगदड़ में करीब अभी तक जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है, 26 जख्मी बताए जा रहे हैं, ज्यादा भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ, हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, मनोज सिन्हा जो कि एलजी है उन्होंने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हर कीमत पर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि हादसा क्यों हुआ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया टाइम्स नाव नवभारत पर कि भीड़ बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से हादसा पेश आया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा कि गेट नंबर 3 के पास जो क्लॉक रूम था बहुत भीड़ थी, कुछ लोगों में हाथापाई हुई, कुछ लोग गिरे जिसके बाद भगदड़ मची, लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और कंफ्यूजन की वजह से ये भगदड़ मची जिसमें अब तक अपडेट के मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है, 26 जख्मी हैं, जख्मी लोगों का इलाज पास के नारायण अस्पताल में चल रहा है। तो 12 लोगों की मौत, 26 श्रद्धालु जख्मी बताए जा रहे हैं, तो देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जो चिंता और बढ़ा रहा है। बड़ी बात मेरे सहयोगी आपको अमित बता रहे थे कि देर रात गेट नंबर 3 पर एक जो
रूम है वहां पर एकदम से भगदड़ मचती है। घायलों को कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एलजी ने प्रधानमंत्री को इस हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी दी है और एलजी ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री को मैंने ब्रीफ कर दिया है, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 2 लाख दिया जाएगा, इंजर्ड जो है उन्हें 50,000। एलजी ने जो मुआवजे का ऐलान किया 10 लाख उन्हें दिया जाएगा जिनकी मौत हो गई उनके घर वालों को, वहीं 2-2 लाख उन्हें दिया जाएगा जो लोग इंजर्ड हुए हैं।